हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ए माइनस बी का होल के ऊपर जो प्रश्न होता है इसे हल कैसे किया जाता है देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला को जानेंगे देखिए इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सात माइनस चार का होल क्यूब है देखिए शुरू वाला जो संख्या है वह काम करेगा ए का और देखिए यह बाद वाला जो संख्या है यह काम करेगा बी का देखिए जहाँ जहाँ पर भी ए है वहाँ वहाँ पर सात को रखेंगे और देखिए जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ वहाँ पर चार को रखेंगे जैसे देखिए पर फार्मूला में सबसे पहले है ए का क्यूब देखिए का मान सात है तो यहाँ पर लिखेंगे सात का क्यूब को यहाँ पर देखिए माइनस में है थ्री देखिए ए स्क्वायर बी जो है यह आपस में होता है गुना में तो देखिए हम लोग गुना में सबसे पहले का मान को लिखेंगे देखिए का मान है सात इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर को लिखेंगे और देखिए गुना में लिखेंगे बी का मान वह देखिए यहाँ पर है चार अब देखिए यहाँ पर प्लस में है तीन इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर है यह आपस में होगा गुना में सबसे पहले देखिए ए का मान को लिखेंगे इसके बाद देखिए गुना में बी का मान को लिखेंगे वह देखिए चार यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पर देखिए अंत में है माइनस में बी का क्यूब देखिए बी का मान चार है इसका देखिए हम लोग क्यूब को लिखेंगे अब देखिए इसको हल करने के लिए जहाँ जहाँ पर भी क्यूब और स्क्वायर है इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे यहाँ पर देखिए सात का क्यूब देखिए सात का क्यूब होता है तीन सौ इधर में देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर देखिए सात का स्क्वायर सात का स्क्वायर होता है उनचास यहाँ पर देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर देखिए चार का स्क्वायर चार का स्क्वायर होता है सोलह अंत में देखिए है चार का क्यूब देखिए चार का क्यूब होता है चौंसठ अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए तीन संख्या गुना में और यहाँ पर भी देखिए तीन संख्या यह गुना में इसका देखिए हम लोग सबसे पहले गुना को करेंगे देखिए यह तीनों संख्या का गुना करने पर यह होगा पाँच सौ अट्ठासी यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और देखिए यह तीनों संख्या का गुना करने पर यह होगा तीन सौ छत्तीस यहाँ पर देखिए माइनस में है चौंसठ अब देखिए इसको हल करने के लिए जो भी संख्या प्लस में है इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे देखिए तीन सौ है प्लस में और तीन सौ छत्तीस है प्लस में इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे यानी देखिए 6 और तीन को जोड़े यह हो जाएगा नौ चार और तीन को जोड़े या होगा सात तीन और तीन को जोड़े या हो जाएगा छ अब देखिए यहाँ पर माइनस में जो संख्या है इसको भी हम लोग आपस में जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर आठ और चार को जोड़े या होगा बारह का दो एक होगा हासिल आठ और छः को जोड़े या होगा चौदह एक था हासिल तो यह होगा पंद्रह का पाँच एक होगा हासिल यहाँ पर देखिए पाँच है और एक था हासिल तो यह हो जाएगा छ देखिए जब भी माइनस माइनस वाले संख्या जुटते हैं तो चिन्ह लगता है माइनस का अब देखिए हम लोग छः सौ उनासी में से छः सौ बावन को घटाएंगे देखिए नौ में से दो घटाने पर यह बचेगा सात सात में से पाँच घटाने पर यह बचेगा दो देखिए छ में से छः घटने पर यह होगा ज़ीरो के बराबर यानी देखिए इस फार्मूला से इस प्रश्न को हल करने पर इसका आंसर आ रहा है सताईस देखिए यह जो तरीका है यह फार्मूला के तरीका से आप देखिए इसी प्रश्न को शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर है सात माइनस चार तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको घटाएंगे यह बचेगा तीन और देखिए यहाँ पर है इसका क्यूब देखिए क्यूब का मतलब होता है क्या आप यही संख्या को तीन जगह गुना में लिख सकते हैं तीन से गुना तीन में करें यह होगा नौ नौ से गुना तीन में करें तो यह होगा सताईस देखिए यह जो तरीका है यह शॉर्टकट तरीका और देखिए इस तरीका से आप फॉर्मूला से भी हल कर सकते हैं तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जो a माइनस बी के हॉल के ऊपर प्रश्न होता है इसे हल कैसे किया जाता है